उत्तर प्रदेश की राजधानी के राजाजीपुरम में गुलमोहर रेस्टोरेंट में जिस तरह से आज एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया सिमरन सेवा संस्थान द्वारा, जहां पर वो वुमनिया नाम से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां की अध्यक्ष सिमरन कौर से हमारे संवाददाता शहूर अहमद ने बात किया। ये डालते हैं खबर पर नजर। विनोशी कहाँ इतनी विनोशी, एक होली वाला गाना तो गाओ यार, क्या बात है। जी फिर रेडी। मैं धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर सिमरन सेवा संस्थान। अभी आज हमारे संस्था के द्वारा ये आयोजन किया गया था, जो बहुत ही सक्सेस रहा, आप सब के सहयोग से बहुत ही अच्छा रहा, और इसमें बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया, और बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन था, लेडीज़ के लिए कॉम्पिटिशन थे, सब ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया, और यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। इसका मेन उद्देश्य क्या था लोगों को? मेन उद्देश्य जो कुछ लेडीज़ ऐसी थी जिनको उठाना था, उनका उद्धार करना था, कि जो कार्य कर रही हैं लेकिन उनको मतलब उनकी कहीं पे वो नहीं है, उनको इस चीज़ को जागरूक जी उजागर करना ही था। ठीक है, थैंक यू कॉल जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज जो आपने ये प्रोग्राम रखा है, इसका क्या उद्देश्य था, मेन क्या उद्देश्य था आपको? इसका मेन उद्देश्य ये था कि हर एक वुमेन जो भी है, अपने चाहे घर पे है चाहे वो बाहर काम कर रही है, उन सब में एक वाव है, और उस वाव को हम स्टेज पे लेके आए, और सभी वुमेन्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो गेम्स हो चाहे बोलने का हो, तो सभी लेडीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ साथ हमारे कुछ 20 और 21 तारीख को कुछ दिन पड़ रहे थे, जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, तो उन डेज को भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया, और सभी लेडीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ हमने फूड स्टॉल्स लगाए हैं, और कुछ हाथ से बनी हुई चीज़ें जो लेडीज घरों पे काम करती हैं उन लेडीज ने लगाया है, चाहे वो भगवान के कपड़े हों चाहे हाथ से बनी हुई कलात्मक चीज़ें हों, उन चीज़ों को उन्होंने प्रेजेंट किया और लोगों तक पहुँचाया। एक प्लेटफॉर्म उनको यहाँ से मिला है, तो मुझे लगता है हर एक लेडी वाव है, और इसमें हमारा सहयोग बहुत सारे लोगों ने दिया, जो आपको लग रहा होगा कि ये सभी हमारे सहयोगी हैं, और यहाँ की एक्सेल कोचिंग चलती है एक राजनीतिपुरम में, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। मैम, आज प्रोग्राम आपने अटेंड किया, कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा, एक इतनी अच्छी सराहनीय कोशिश थी, आज ये जो प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ही बढ़िया लगा। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे कि घर में जो लेडीजें हैं कुछ काम करती हैं, उनको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो एक सिमरजीत मैम ने बहुत अच्छा काम किया, उनको इस स्टॉल में जैसे लगाया और वो लोग आके उनको कॉन्फिडेंस हुआ उनको, तो बस यही कोशिश उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो घर से नहीं निकलते थे, मेरी मोटिवेटर तो सिमरन सही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलिए निकलना इसी बहाने हो जाएगा, और मेरी मोटिवेटर तो यही रही है। थैंक यू सर। मैम, मैं निधि कोहली फ्रॉम एक्सेल कोचिंग। हमने सिमरन और हमने मिलकर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारा मेन पर्पस था कि राजाजीपुरम की लेडीज़ में के टैलेंट को बाहर निकालना, बच्चों को टैलेंट ड्राइंग कंपटीशन, मेरे बच्चों ने इतनी बढ़िया ड्राइंग करी है, सिमरन के बच्चों ने उनकी प्रतिभा को हम लोग ने बहुत अच्छे से दिखाया है, और हमने गेम्स कराए बहुत अच्छे अच्छे गेम्स, और मेरा जो एक मकसद था कि यहाँ से जो भी जाए सब गिफ्ट लेके जाए, एक हमारा एक पहचान लेके जाए, और सब इतने खुश होके आए, किसी ने अपने हाथ के बनाए हुए केक मफिन्स, किसी ने अपने हाथ के बनाए पान के लड्डू, और इतनी सारी, और प्लांटर्स, हमारे नेचर लवर प्लांटर्स हमने गिफ्ट किए हैं, और हमारा जो मकसद था वाव वुमनिया, सच्ची में हमारा ये वाव वुमनिया प्रूव हुआ है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि नारी हमारी सच्ची में भारी है, और नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। थैंक यू सो मच। मैम, ये जो आप प्रोग्राम करती है, ये आज आपका पहला फर्स्ट है या? जी नहीं, ये हमारे कई इस तरह के इवेंट हुए हैं जी, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते रहते हैं, चाहे वो छोटे स्लम एरिया में हो और चाहे वो इवेंट के रूप में हो, लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम काम करते रहते हैं, लेडीज़ और वंचित बच्चे जो कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और काम भी करते हैं, उन बच्चों को हम आगे बढ़ाने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए,
स्पेशल क्लासेस करते हैं ताकि वो बच्चे अपने काम के साथ साथ उन क्लासेस को अटेंड करें और पढ़ के कुछ अपने समाज को चेंज कर पाए। तो यही हमारी सोच है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।